आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं आसिया मैमुना। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे मुख्तलिफ जिलों के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बातचीत करेंगे। उत्तर प्रदेश में पहले मरहले के असेंबली इंतखाबात के लिए 815 उम्मीदवारों ने अपनी नामजदगियां दाखिल की हैं। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के लिए 85 उम्मीदवारों की फहरिस्त और पंजाब असेंबली इंतखाबात के लिए 34 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की है। हुकूमत ने बैनुल अक्वामी मुसाफिरों के लिए ताज़ा रहनुमा हिदायत जारी की हैं। ज्यादा खतरे वाले मुल्कों से आने वाले कोविड से मुतासिर लोगों के लिए करंटीना मराकज में अलग थलग रहना लाजमी नहीं होगा। पाकिस्तान में कायम 35 यूट्यूब चैनल्स को भारत मुखालिफ मवाद की वजह से ब्लॉक कर दिया गया है। वजीर दाखिला अमित शाह आज जम्मू कश्मीर के लिए अच्छी हुक्मरानी से मुतालिक जिले का पहला इंडेक्स जारी करेंगे। अमर जवान ज्योति नई दिल्ली में नेशनल वॉर मेमोरियल में जम कर दी गई है। और बैडमिंटन में लखनऊ में आज सैयद मोदी बैनुल अक्वामी टूर्नामेंट के खवातीन के सिंगल्स में पीवी सिंधु का मुकाबला वर्जीनिया कोसेकावा से होगा। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क के कई हिस्सों में कोविड-19 के मामला तेजी से बढ़ रहे हैं। आपसे अपील है कि चौकस रहें, दोनों टीके लगवाएं और 15 से 18 साल तक की उम्र के बच्चों और दीगर अफराद की भी टीका लगवाने में मदद करें। साथ ही कोरोना की नई किस्म में तशवीश का बायस है और इस सिलसिले में गफलत ना बरतें और ये 3 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्तलिफ जिलों के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ बातचीत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म जिलों में सरकारी स्कीमों और प्रोग्रामों पर अमल दरामद से मुतालिक पेशरफ्त और ताज़ा सूरतेहाल के बारे में बराह-ए-रास्त मालूमात हासिल करेंगे। इस बातचीत से कारकर्दगी का जायजा लेने में और दरपेश चैलेंजों का अंदाजा लगाने में मदद मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में हुकूमत ने मुल्क भर में तरक्की और फरोग में गैर मुसावात को खत्म करने के लिए बहुत से इकदाम लगातार किए गए हैं। ये कदम सभी शहरियों के मैयार जिंदगी में इजाफा करने और सभी की शमूलियत वाली तरक्की को यकीनी बनाने की तरफ हुकूमत के पाबंद होने के ऐन मुताबिक है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इस महीने की 24 तारीख को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल सरकार जीतने वालों से बातचीत करेंगे। इस तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इस साल के फातहीन को डिजिटल सर्टिफिकेट तकसीम करेंगे। ये सर्टिफिकेट प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल सरकार 2021 के उन फातहीन को भी दिया जाएगा जिन्हें पिछले साल कोविड सूरतहाल की वजह से सर्टिफिकेट नहीं दिया जा सका था। खवातीन और बच्चों की तरक्की की वजारत ने कहा है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल सरकार पुरस्कार के फातहीन को सर्टिफिकेट देने के लिए पहली बार इस्तेमाल की जा रही है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार माजूर बच्चों और इख्तरा दानिश्वराना हसूलियाबियों, खेलकूद, आर्ट और कल्चर, समाजी खिदमत और बहादुरी के मैदानों में गैर मामूली कामयाबियों पर दिए जाते हैं। ये इनामात सदर जमहूरिया के हाथों राष्ट्रपति भवन में मुनाकिदा एक तकरीब में दिए जाते हैं। वज़ीर-ए-आज़म भी इन बच्चों के साथ हर साल बातचीत करते हैं। ये इनाम याफ्ता बच्चे हर साल यौम जमहूरिया की परेड में भी शिरकत करते हैं। इंतखाबी कमीशन मरकजी सेहत सेक्रेटरी और 5 रियासतों जहां इंतखाबात होने वाले हैं उनके चीफ सेक्रेटरियों और सेहत सेक्रेटरियों के साथ वर्चुअल तरीके से एक जायजा मीटिंग करेगा। मीटिंग में आने वाले असेंबली इंतखाबात के दौरान कोविड से तहफ्फुज के इकदामात का जायजा लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए नामजदगी कागजात दाखिल करने के अमल की मुद्दत कल खत्म हो गई। पहले मरहले में कुल 815 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी दाखिल किए हैं। कल आखिरी दिन 426 उम्मीदवारों ने अपनी नामजदगियां दाखिल की।
इस मरहले में 58 असेंबली हलकों में 10 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। दूसरे मरहले के लिए नामजदगियां दाखिल करने का अमल कल से शुरू हो गया। दूसरे मरहले के लिए अब तक 10 उम्मीदवारों ने नामजदगी के कागजात दाखिल किए हैं। इस मरहले में 55 असेंबली हलकों के लिए 14 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। इस दौरान बीजेपी ने आने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए 85 उम्मीदवारों की एक और फहरिस्त जारी की है। पार्टी ने आदिति सिंह को रायबरेली असेंबली हलके से, जबकि नितिन अग्रवाल को हरदोई सीट से, असीम अरुण को कन्नौज से, जयवीर सिंह को मैनपुरी और सरिता भिदोरिया को इटावा असेंबली सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। उम्मीदवारों के नामों पर हतमी फैसला बीजेपी की मरकजी इंतखाबी कमेटी ने किया है। पहले मरहले में 11 जिलों शामली, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, हापुड़, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, बुलंदशहर, मथुरा, आगरा और अलीगढ़ के 58 असेंबली हलकों में वोट डाले जाएंगे। इंतखाबी कमीशन ने रियासत में कोविड 19 केसेज में इजाफे के तनाजुर में कागजात नामजदगी ऑनलाइन दाखिल करने की सहूलत फराहम की है। इसके अलावा बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने कल आगरा में घर घर जाकर पार्टी की मुहिम का आगाज किया। यहां पहले मरहले में वोटिंग होगी। उन्होंने ब्रज खित्ते के 40 असेंबली हलकों के पार्टी उम्मीदवारों के साथ मीटिंग की। एक और तकरीब में मरकजी वजीर और पार्टी रहनुमा अनुराग सिंह ठाकुर और वजीर आला योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में पार्टी के इंतखाबी गाने यूपी मांगे भाजपा सरकार का भी आगाज किया। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने भी अपने 33 उम्मीदवारों पर मुश्तमिल तीसरी फहरिस्त जारी की है। गोरखपुर से आदित्य शुक्ला की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में आइंदा होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए अपने 34 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी है। पार्टी ने अपने पंजाब इकाई के सरबराह अश्विनी कुमार शर्मा को पठानकोट असेंबली हलके से खड़ा किया है। राणा गुरमीत सिंह सोडी को फिरोजपुर शहर असेंबली हलके से टिकट दिया गया है, जबकि अरविंद खन्ना संगरूर असेंबली हलके से चुनाव लड़ेंगे। कल नई दिल्ली में उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करते हुए पार्टी के जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने कहा कि फहरिस्त में 12 उम्मीदवार किसान खानदान से, 8 दर्जे फहरिस्त जातों से और 13 का ताल्लुक सिख बिरादरी से है। 19 दिन के वक्फे में 15 से 18 बरस की उम्र के 4 करोड़ बच्चों ने कोविड 19 से बचाव का टीका लगवा लिया है। बच्चों की टीकाकारी की तेज रफ्तारी को उजागर करते हुए सेहत के वजीर मनसुख मांडविया ने कहा कि नौजवान भारत वबा के खिलाफ मुल्क की लड़ाई को नुमाया तौर पर मजीद मजबूत करने में अहम तआवुन दे रहा है। हुकूमत ने कहा है कि कोविड 19 से बचाव का टीका लगवाने के लिए कोविन पोर्टल पर एक ही मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करते हुए 6 अरकान रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इससे पहले महज 4 अरकान अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते थे। कोविन डिजिटल प्लेटफॉर्म पूरे मुल्क में टीका लगवाने वाले अफराद के मुख्तलिफ जुमरों के लिए कोविड टीकाकारी के अमल को बिला रुकावट बनाने के लिए कायम किया गया है। सेहत की मरकजी वजारत ने बताया है कि कोविन अकाउंट में मामला उठाओ के उन्वान से एक नई सहूलत शुरू की गई है। इस सहूलत के जरिए लोग कोविड से बचाव के टीके की अपनी ताजा सूरतहाल में तब्दीली कर सकते हैं। लोग अपनी पूरी तरह टीका लगवाई गई हुई सूरतहाल को जुजवी तौर पर टीका लगवाई हुई सूरतहाल या टीका न लगवाई हुई सूरतहाल में बदल सकते हैं। लोग अपनी जुजवी तौर पर टीका लगवाई हुई सूरतहाल को टीका न लगवाई हुई सूरतहाल में भी बदल सकते हैं। लोग टीका लगवाने से मुतालिक अपनी सूरतहाल में ऐसे हालात में तब्दीली कर सकते हैं जिनके तहत किसी अलग थलग मामले में टीकाकारी का सर्टिफिकेट बनाते हुए टीका लगाने वाले की तरफ से डाटा एंट्री में कोई गलती हो गई है। हुकूमत ने कहा है कि कोविन पोर्टल से कोई डाटा लीक नहीं हुआ है। मरकजी वजारत सेहत ने कल कहा कि कोविन पर दर्ज किए गए तमाम डाटा और जानकारी महफूज हैं। वजारत ने कहा कि कई मीडिया खबरों में यह दावा किया गया था कि कोविन पोर्टल पर दर्ज ऑनलाइन डाटा लीक हुआ है। वजारत ने वजाहत की कि कोविन पोर्टल से कोई डाटा लीक नहीं हुआ है और इसमें दर्ज तमाम अफराद का डाटा महफूज है। सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत इन खबरों की सदाकत के बारे में छानबीन करेगी। सेहत की मरकजी वजारत ने बैन अल-अक़वामी मुसाफिरों की आमद से मुतालिक नजर सानी शुदा रहनुमा हिदायत जारी की हैं, जिनका इतलाक आज से होगा। रहनुमा हिदायत में बैन अल-अक़वामी मुसाफिरों और एयरलाइंस और तमाम दाखिला प्वाइंट्स के लिए जाब्ता मुरतब किए गए हैं। इन हिदायत के मुताबिक कोविड के खतरे वाले ममालिक से आने वाले मुसाफिर अगर भारत आने पर कोविड से मुतासिर पाए गए तो इनका मयारी जाब्ते के मुताबिक इलाज किया जाएगा या अलग थलग रखा जाएगा। इनके लिए करंटीना मरकज में रहना लाजमी नहीं होगा। कोविड 19 टेस्ट के लिए सैंपल देना होगा और टेस्ट का नतीजा आने तक उन्हें एयरपोर्ट पर ही इंतजार करना होगा। दीगर मुमालिक से आने वाले मुसाफिरों में से 2% का हवाई अड्डे पर
इत्तफाकिया तौर पर टेस्ट किया जाएगा। इनमें 2% मुसाफिरों की निशानदेही मुतालिका एयरलाइंस करेंगी। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। मरकजी हुकूमत भारत मुखालिफ फर्जी खबरें देने वाले मीडिया पर सख्त नजर रखे हुए है। हुकूमत ने पाकिस्तान में कायम ऐसे 35 यूट्यूब चैनल्स और 2 वेबसाइट्स को ब्लॉक करने का हुक्म दिया है जो डिजिटल मीडिया पर मुनज्जम तरीके से भारत मुखालिफ फर्जी खबरें फैलाने में मुलविस हैं। इसके साथ साथ 2 ट्विटर अकाउंट्स, 2 इंस्टाग्राम अकाउंट्स और 1 फेसबुक अकाउंट को भी हुकूमत ने ब्लॉक किया है। उन्हें भी इंटरनेट पर भारत मुखालिफ गुमराहकुन मालूमात मुनज्जम तरीके से फैलाने में मुलविस होने पर ब्लॉक किया गया है। इत्तलात और नशरियात की वजारत में सेक्रेटरी अपूर्वा चंद्र ने कल बताया कि ये यूट्यूब चैनल्स, वेबसाइट्स और ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट्स पाकिस्तान से चलाए जा रहे थे। वजीर दाखला और इमदाद बहामी के वजीर अमित शाह आज दोपहर 1 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जम्मू कश्मीर के 20 अजला के लिए जिले पर मबनी अच्छी हुक्मरानी का पहला इंडेक्स जारी करेंगे। जम्मू कश्मीर मुल्क का ऐसा मरकज के जेर इंतजाम पहला इलाका होगा जिसमें अच्छी हुक्मरानी का इंडेक्स जारी किया जाएगा। जिले की सतह पर अच्छी हुक्मरानी का मायार हासिल करने में इंतजामी इस्लाहात की जानिब से ये एक बड़ा कदम है। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी इस तकरीब से खिताब करेंगे। इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति मशाल को नई दिल्ली में कल नेशनल वार मेमोरियल में जम कर दिया गया है। अमर जवान ज्योति को जम करने की तकरीब की सदारत मरबूत डिफेंस स्टाफ के सरबराह बाल भद्र राधा कृष्ण ने की। अमर जवान ज्योति 1971 की भारत पाक जंग के बाद कायम की गई थी। एक तवील इंतजार और काफी गौर खौज के बाद इंडिया गेट कॉम्प्लेक्स में नेशनल वार मेमोरियल की तामीर की गई जिसका इफ्तिताह फरवरी 2019 को हुआ था। इससे पहले दिन में हुकूमत ने अमर जवान ज्योति के बारे में गुमराहकुन खबरों पर हुकूमत ने वजाहत की थी। इसमें कहा गया है कि अमर जवान ज्योति को बुझाया नहीं जा रहा है बल्कि इस नेशनल वॉर मेमोरियल की मशाल में जम किया जा रहा है। बैडमिंटन में भारतीय खिलाड़ी आज लखनऊ में सैयद मोदी बैन अल-अक़वामी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल्स में खेलेंगे। पीवी सिंधु, जिन्होंने ओलंपिक्स में 2 बार तमगा हासिल किया है, खवातीन के सिंगल्स के सेमीफाइनल्स में 5वें दर्जे की रूसी खिलाड़ी विर्जीनिया कोसेट्सकाया के साथ खेलेंगी। मर्दों के सिंगल्स में मिथुन मंजुनाथ का मुकाबला आज सेमीफाइनल्स में फ्रांस के अर्नॉड मर्कल से होगा। मिक्स्ड डबल्स के सेमीफाइनल्स मुकाबले में आज एमआर अर्जुन और ट्रेसा जूली की भारतीय जोड़ी अपने हमवतन साथियों 7वीं दर्जे की एशियन ईशान भटनागर और तानिशा क्रेस्टो की जोड़ी के साथ खेलेगी। मर्दों के डबल्स में आज सेमीफाइनल्स में 7वें दर्जे की कृष्ण प्रसाद गैरागा और विष्णुवर्धन गौड़ पंजाला का मुकाबला हमवतन भारतीय जोड़ी प्रेम सिंह चौहान और राजेश वर्मा से होगा। खवातीन के डबल सेमीफाइनल्स में हरीथा एम हरिनारायण और आशना राय की भारतीय जोड़ी 8वें दर्जे की मलेशियाई जोड़ी अना चिंग यंग चियोंग और तियो मी जिंग से होगा। अब अखबारात के आईने के साथ हैं शबाना बेगम। शुक्रिया आसिया। आज राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले मुख्तलिफ अखबारात ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा मिलाप की शह सुर्खी है, अमर जवान ज्योति अब नेशनल वॉर मेमोरियल में रोशन होगी। वजीर आजम 23 जनवरी को इंडिया गेट पर नेताजी के होलोग्राम मुजस्मे की नकाब कुशाई करेंगे। जबकि रोजनामा इनकलाब ने त्रिपुरा में तरक्याती इकदाम पर वजीर दाखिला अमित शाह के बयान पर मबनी खबर को अहमियत के साथ शाया किया है कि त्रिपुरा शिमाल मशरक की तजारती राहदारी बनेगा, मरकजी हुकूमत रियासत को बिजनेस कॉरिडोर बनाने की समत में काम कर रही है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने सुप्रीम कोर्ट के इस अहम फैसले की खबर को अपनी सुर्खी बनाया है कि जायदाद पर हिंदू बेटी का हक हुआ मजबूत, हिंदू वारिस एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला। अखबार हिंदुस्तान एक्सप्रेस की अहम खबर है, ओमान के सोहार पोर्ट और फ्री जोन ने धातों की सनत को मालूमात और मौका फराहम करने के लिए भारत के तिजारती इदारे फिक्की के साथ शराकतदारी की है। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे मुख्तलिफ जिलों के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की से बातचीत करेंगे। उत्तर प्रदेश में पहले मरहले के असेंबली इंतखाबात के लिए 815 उम्मीदवारों ने अपनी नामजदगियां दाखिल की हैं। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के लिए 85 उम्मीदवारों की फहरिस्त और पंजाब असेंबली इंतखाबात के लिए 34 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी की है।
हुकूमत ने बैन अल-अक़वामी मुसाफिरों के लिए ताज़ा रहनुमा हिदायत जारी की हैं। ज्यादा खतरे वाले मुल्कों से आने वाले कोविड से मुतासिरा लोगों के लिए करंटीना मराकज में अलग थलग रहना लाजमी नहीं होगा। पाकिस्तान में कायम 35 यूट्यूब चैनल्स को भारत मुखालिफ मवाद की वजह से ब्लॉक कर दिया गया है। वजीर दाखिला अमित शाह आज जम्मू और कश्मीर के लिए अच्छी हुक्मरानी से मुतालिक जिले का पहला इंडेक्स जारी करेंगे। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।